Hi guys, welcome back to Taste Quest Recipes. So our today's recipe is strawberry penne cotta. It's a dessert recipe और ये एक इटालियन पुडिंग रेसिपी है. इट्स एन ईजी वन, जल्दी बन जाती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है. घर में कोई पार्टी या कोई गेस्ट आए हो तो ईजिली बन जाती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है. सो लेट्स सी हाउ टू मेक इट. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. तो पेने कोटा का बेस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कप दूध लेंगे सॉस पॉट में. उसमें हम डालेंगे हैवी क्रीम एक कप, जो हाफ एंड हाफ क्रीम आता है ना, वो डालेंगे एक कप. थोड़ा सा एकदम पिंच ऑफ सॉल्ट, जस्ट टू एनहेंस द फ्लेवर्स, दैट्स इट. अच्छे से मिला लेंगे. अभी हमें क्या करना है, इसको सिर्फ गर्म करना है, स्टीमिंग हॉट हो जाए तब तक इसको. वी डोंट हैव टू ब्रिंग इट टू बॉइल, सिर्फ गर्म ही करना है. अभी इसमें हम डालेंगे शुगर 50 ग्राम्स. मीठा आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं. इसको भी अच्छे से मिला लेंगे और गरम करेंगे. जब एकदम ये गरम हो जाए दूध, तो उसमें हम डालेंगे अगर अगर पाउडर. ये प्लांट बेस्ड सेटिंग एजेंट है, जैसे जेलेटिन है दैट इज एनिमल बेस्ड, ये अगर अगर पाउडर इज प्लांट बेस्ड सेटिंग एजेंट, जो ये पुडिंग को सेट करने में हेल्प करेगा. इसको हम डालेंगे 1 टीस्पून और अच्छे से मिला लेंगे ताकि कोई गुठलियाँ ना रहे. बस इतना ही गरम करना है. अभी हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस या एक्सट्रैक्ट, आपके पास जो भी पड़ा है, और उसको अच्छे से मिला लेंगे. और यहाँ पे मैंने अभी गैस ऑफ कर दिया है. अभी इसको हम कोई मोल्ड या ग्लास, जो भी आपको पसंद हो, उसमें डालेंगे. बट उसको पहले ठंडा करेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर अपने पसंद के मोल्ड में या फिर कोई ऐसे सर्विंग ग्लासेस, शॉर्ट ग्लासेस हो उसमें हम सर्व करेंगे, तो उसी में हम पोर कर देंगे. आप कोई रेमेकिन बोल है उसमें भी डाल सकते हैं. एंड बिकॉज इट इज़ वेरी फुलफिलिंग, तो ये शॉर्ट सर्विंग ही होता है, ऊपर तक ग्लास नहीं भरना है, बस इतना 1/4 ही इसको फिल करेंगे. तो ऐसे शॉर्ट ग्लासेस या फिर कोई भी आपके पास ऐसे कांच का ग्लास पड़ा हो तो उसको 1/4 तक भर लीजिए. या फिर ये मैंने यहाँ पे ली है कटोरी, जो जिसको हम डीमोल्ड करेंगे. ये सेट हो जाएगा तो अच्छे से डीमोल्ड भी हो जाता है. तो ऐसे सारे अपने ग्लासेस भर लेंगे एंड विल रेफ्रिजरेट इट फॉर 2 to 3 hours. इतने में ये सेट हो जाएगी. सेट होके ये एक जेली लाइक कंसिस्टेंसी इसका आ जाएगा. अभी हम इसका स्ट्रॉबेरी सॉस बनाते हैं. तो उसके लिए मैंने यहाँ फ्रेश स्ट्रॉबेरी चॉप करके लिए 200 grams. उस पर डालेंगे हम 50 ग्राम्स कैस्टर शुगर, अच्छे से मिला लेंगे और एक थिक कंसिस्टेंसी आ जाए सॉस की, तब तक इसको पका लेंगे. शुगर भी मेल्ट हो जाएगी और स्ट्रॉबेरीज थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएंगी और एक सॉस लाइक कंसिस्टेंसी इसका आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरी भी अपना पानी छोड़ेगा तो थोड़ा वाटरी रहेगा, तो उसको थोड़ा सा 3-4 minutes पकाएंगे तो सॉसी लाइक कंसिस्टेंसी उसकी आ जाएगी. बस ये परफेक्ट है. अभी इसी टाइम पे इसको बंद करेंगे क्योंकि ये गरम गरम में भी पकता रहेगा
और हमें जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए ऐसी आ जाएगी, तो उसको निकाल के हम ठंडा करेंगे तो थोड़ा थिक भी हो जाएगा। तो नाउ लेट्स चेक ऑन आवर पेना कोटा, एकदम सेट हो गई है, बिल्कुल ये हिल नहीं रहा है, सो इट्स परफेक्टली सेट। बस ऐसा ही चाहिए हमें। इसमें वेनिला शुगर और क्रीम का फ्लेवर है। अब इसके ऊपर हम जो हमने सॉस बनाई है स्ट्रॉबेरी वो डालेंगे, उसका एक लेयर करेंगे पतला सा। तो वाइट और रेड दोनों दिखने में भी एकदम अच्छा लगेगा और खाने में तो इट्स वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस। क्योंकि हमारा पेना कोटा अच्छे से सेट हो गया है तो सॉस उसके अंदर मर्ज नहीं होगा, एक अलग अलग टू लेयर्स बन जाएंगे वाइट एंड रेड, तो एस्थेटिकली ऑल्सो इट लुक्स वेरी प्रिटी। तो बाकी सारे ऐसे ग्लासेस पे हम थिन लेयर ऑफ सॉस फैला लेंगे। स्पेशल ओकेजन्स या फिर पार्टी में ये सर्व किया जाता है, आप भी ज़रूर एक बार घर पे ट्राई कर लेना। Look, it looks so pretty. अभी हम ये कटोरी वाला डीमोल्ड करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैंने दूसरे बोल में थोड़ा गर्म पानी डाला है, इसमें ये विल डिप द बोल सो दैट द पेना कोटा गेट्स रिलीजेस फ्रॉम साइड, और उसको दूसरी प्लेट में डीमोल्ड कर देंगे। एकदम इजीली डीमोल्ड हो जाता है बिकॉज इट्स प्रॉपरली सेट, दैट इज वाई। अभी उसको गार्निश करेंगे ये स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ। इट लुक्स वेरी टेम्पटिंग, आप लोग भी एक बार घर पे जरूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा बनता है एंड इट्स यमी एंड डिलीशियस एज वेल। तो ऐसे ही कोई स्पेशल ओकेजन, वैलेंटाइंस डे या फिर एनिवर्सरी या फिर कोई फेस्टिवल ओकेजन है तो भी आप बना सकते हैं। सो डू गिव इट अ ट्राई एंड राइट इन द कमेंट डाउन बिलो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। देखो कितना सॉफ्ट बना, एकदम जेली जैसा, और वेनिला और स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर, इट्स अ हिट कॉम्बो, तो ये बहुत अच्छा लगता है। सो आई होप यू गाइज लाइक माई टूडेज रेसिपी, एंड इफ यू डिड प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड लाइक एंड कमेंट।